हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ चावल से एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए आधा किलो चावल लिया है हमने, इसे धो लिया है अच्छे से और इसे थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। बस ऐसे ही छोड़ देंगे फैला कर इसे, ताकि इससे थोड़ा सा पानी निकल जाए। और इसके बाद हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। ध्यान रखिए, बिना पानी का ही इसे हमें पीसना है, क्योंकि इसका आटा बनाना है हमें। तो अच्छे से इसे हम पीस लेंगे और इसके बाद छलनी से इसे हम छान लेंगे। तो आधा किलो हमने ये चावल लिया था, तो आधा किलो चावल का आटा भी हुआ। अच्छे से छान लेंगे इसे। अब इसे बनाने के लिए आप इसे गुड़ में बना सकते हैं या फिर मिट्टे में बना सकते हैं। आप इसे क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शुगर केन से जो बनता है ना मिट्ठा, उसी से हम बनाएंगे इसे। आप गुड़ में भी बना सकते हैं। तो ये भी आधा किलो आपको लेना है, जितना चावल लेना है उतना ही लेना है। अब इसमें थोड़ा सा एकदम पानी डाला है मैंने, एकदम छोटी कटोरी से। अब इसे गैस पे चढ़ा देंगे और इस तरीके से चलाते हुए रहना है हमें। इसे मिलाना है एकदम अच्छे से, मिलाते रहेंगे इसे हम। अब हमें एक प्लास्टिक लेना है, इसे चढ़े हुए रहने दीजिए। एक प्लास्टिक लेंगे, इसी पे हम बनाएंगे। इसे फाड़ लेंगे हम। तो अच्छे से हम मीठे को चलाते हुए रहना है हमें। देखिए कितना पतला घोल बन चुका है। ऐसे आप गैस पे इसे चढ़ाए रखेंगे तो ये बन जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम रखना है आपको और चलाते रहना है, ताकि अंदर से ये जले नहीं। 5 से 6 मिनट इसे गैस पे रखना होता है। जब इसमें अच्छे से बॉइलिंग होने लगे तो हम इसे चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। हमें एक तार की चाशनी बनानी है इसकी। तो थोड़ा सा प्लेट में पानी लेकर हम देखेंगे। तो देखिए ये नीचे बैठ गया है, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो इसमें अब हम चावल के आटे को डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालना है और इस तरीके से मिलाते जाना है हमें। थोड़ा थोड़ा कर डालना है और उसके बाद चलाते जाना है। अब इसके बाद बस 2 मिनट तक इसी तरीके से गैस पे चलाना है। उसके बाद हमें नीचे उतार देना है और अब एक अलग सा पैन चढ़ा लेना है। अब देखिए ये जब नीचे उतार देंगे ना, तो ठंडा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे जमेगा ये। तो पैन में हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। इसमें आधा किलो ही रिफाइंड ऑयल लगता है। थोड़ा सा अलग प्लेट में भी निकाल लेंगे लगाने के लिए। तो देखिए जो हमने पन्नी लिया था उसमें ग्रीस किया हमने रिफाइंड ऑयल। अब इस तरीके से उसे फैला देना है। अब इस तरीके से निकाल कर एकदम डाल देना है कढ़ाही में। एकदम तुरंत ये प्रोसेस करना रहता है, तो मैं शायद ठीक से दिखा नहीं पाऊँ। अब इस तरीके से देखिए, एक तरफ से इसे ऐसा कलर आने देना है, फिर ये तुरंत हो जाता है। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। इसे पकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, साथ ही साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। अब हाथ पे उठाना है इसे और इसमें डाल देना है। एकदम देखिए आपका परफेक्ट बनेगा तो एकदम गोल सा आएगा। नहीं भी परफेक्ट बनेगा तो कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं बन पाता है। तो वैसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरीके से हम सभी को बना कर रख लेंगे। अब इसे देखिए कितना अच्छा बना है। इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम अंदर से कितना सॉफ्ट है ये, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि इससे रिफाइंड ऑयल निकलता है। तो इस तरीके से छलनी पे हम इसे, जैसे हम दूध ढकते हैं ना, उस पे हम इसे इस तरीके से रख देंगे, ताकि जो भी रिफाइंड ऑयल इसमें है वो नीचे निकल जाए। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है, और साथ ही साथ ये गुड़ से बनता है, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।